सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी डॉक्टर जो एम्स के डायरेक्टर है और जो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने अभी एक डाटा शो किया गवर्नमेंट के सामने। क्या डाटा शो किया वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, डाटा ये शो किया गवर्नमेंट के सामने, डाटा जो गवर्नमेंट के सामने शो किया है उसमें ये बताया कि जो कोविड की सेकेंड वेव आ रही है इंडिया के अंदर, वो थर्ड वीक, मई के थर्ड वीक के अंदर पीक पे होगी। मतलब लगभग जून के पहले वीक के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में केसेस आ रहे होंगे। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो काफ़ी हालात देश के और ख़राब हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें पूरा डाटा शो किया था, उसमें बताया। अगर आपको न्यूज़ रीड करनी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट वैसे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप चाहो तो मैं कम्युनिटी में डाल दूँ, वहाँ पर आप रीड कर लेना। तो देख लो, अब इन हालात के अंदर एग्ज़ाम करवाने सीबीएसई के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एम्स के डायरेक्टर है और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, उनका कहना है कि अगर हमने थोड़ी बहुत भी ढील दी, थोड़ा बहुत भी हम केयरलेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। जो कोरोना का पीक है वो एक टाइम पर पीक पे होगा, मतलब हाईएस्ट केस होगे मई थर्ड वीक में, मतलब जून के पहले वीक में एग्ज़ाम कराने एकदम पॉसिबल नहीं है। जून के पहले वीक में, जून के सेकंड वीक में काफ़ी ज़्यादा केसेस इंडिया में आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हालात सही नहीं है। तो मैं आप सभी कहूँगा एक बात कि घर पे रहो और साथ में टेंशन दिमाग से निकाल दो, एग्ज़ाम होने के बहुत ही कम चांस है। और इस तरीके की रिपोर्ट को देखते हुए मेरे को तो लगता नहीं कोई सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई दूसरा बोर्ड हो एग्ज़ाम लेने की कंडीशन में होगा, क्योंकि बच्चों को काफ़ी रिस्क है और गवर्नमेंट भी एग्ज़ाम करवाने की परमिशन नहीं देगी। तो मेरे को उम्मीद है सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी ज़रूर शेयर करना, और अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फ्रीली कमेंट करके बता सकते हो, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना, जिससे क्या होगा आपके फ्रेंड्स को भी बातें पता लगे, वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी एग्ज़ाम कैंसिल की डिमांड करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सही कर पे रहो, सेफ रहो।